ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि आध्यात्मिक और सांसारिक में अंतर क्या है। आप किसे आध्यात्मिक कहेंगे और किसे सांसारिक कहेंगे? लोग प्रायः कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक सांसारिक व्यक्ति में अंतर क्या है। मैं कह सकता हूं कि एक सांसारिक व्यक्ति वह है जो अपना भोजन खुद अर्जित करता है, परंतु और बाकी चीजों के लिए वो अपने जीवन में भीख मांग सकता है या भीख मांगता है। अपनी शांति, अपनी खुशी, अपना प्रेम, सभी चीजों को अपने चारों ओर के लोगों से भीख से मांगता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति वह है जिसके भीतर सभी चीजें मौजूद होती हैं, बस वो केवल अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगता है। अगर वो अपना भोजन भी अर्जित करना चाहता है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसे भी कमा सकता है। अध्यात्म के पूरे विज्ञान का अर्थ है उस प्रक्रिया से मुक्त हो जाना जहां आपकी खुशी बाहर परिस्थितियों के पास गिरवी रखी हुई है। अध्यात्म को लोग क्यों ना पसंद करते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी लोगों के जीवन में आध्यात्मिक आयाम लाया जाए। आखिर क्या वजह है कि बहुत से लोग अध्यात्म को नापसंद करते हैं? इसकी एक बड़ी वजह है, कुछ लोगों ने हमेशा उन्हें यह बताया है कि आध्यात्म का आशय ही सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाना है। वैसे अगर आप जंगल में जाना भी चाहें तो आप सभी के लिए पर्याप्त जंगल ही नहीं बचे, और जहां जंगल है भी वहां अधिकांश जंगलों को जंगली डाकू ने घेर रखा है, वहां आपके लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। ऐसे में अब आपके लिए यही सीखना बेहतर होगा कि अपने ऑफिस, अपने घर, गलियां या जहां भी आप चाहें वहां आध्यात्मिक कैसे हुआ जाए। दरअसल अध्यात्म आपके अंतर्मन के बारे में बात करता है, इस बारे में नहीं कि बाहर आप क्या करते हैं। बाहर आप जो भी करते हैं वो आपकी अपनी रुचि है। आप कैसे कपड़ा पहनना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, यह सब आपकी अपनी व्यक्तिगत रुचि है। अभी अध्यात्म आंतरिक विज्ञान का उपयोग करना होगा। अध्यात्म अपने अंतर्मन को व्यवस्थित करने का विज्ञान है। उदाहरण के लिए आज आपके पास आधुनिक विज्ञान है जिसके जरिए आप अपने रहने के लिए जरूरत के मुताबिक बाहरी वातावरण बना लेते हैं। ठीक इसी तरह से अध्यात्म अपने सांसारिक वातावरण को अपने अनुकूल बनाने का एक आंतरिक विज्ञान ही है। दरअसल आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कहां और कैसे रह रहे हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि फिलहाल आप अपने भीतर किस तरह के हैं। आपकी भीतरी तत्व ही आपके जीवन की गुणवत्ता तय करता है। इस क्षण आपने क्या पहना है, बैंक में आपके पास कितना पैसा जमा है, या फिर आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, इन सब से आपके जीवन की गुणवत्ता तय नहीं होगी, बल्कि तय होगी इस बात से कि इस क्षण आप कितने प्रसन्नचित्त हैं, कितने शांतिपूर्ण हैं। हालांकि इस आयाम की आपने पूरी तरह से उपेक्षा की है। सब कुछ बाहर नहीं है। आप अपनी मां के गर्भ से बाहर आए, अपनी आंखें खोली, बाहर की दुनिया को देखा और उसकी तीव्रता से आकृष्ट हो गए। आपने सोचा कि सब कुछ बाहर ही है। आपने बाहर भले ही कितना कुछ सीख लिया हो, कितना ही कुछ किया हो, लेकिन यह कोई मायने नहीं रखता जब तक कि आप अपने आंतरिक भाग के लिए कुछ नहीं करते। तब तक आप जान नहीं पाएंगे कि शांतिपूर्ण होना क्या है। आप जान नहीं पाएंगे कि आनंदमय होना क्या है। आप जान नहीं पाएंगे कि मात्र एक भौतिक शरीर और मन बने रहने की सीमाओं से परे कैसे जाया जाए। आपका भौतिक शरीर और आपका मन, तब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि शरीर आपका नहीं है। आध्यात्म का जो मूल है वह शरीर और मन आप नहीं है। जब आप पैदा हुए तो एक छोटा सा शरीर आपके साथ आया था जिसे आपके माता पिता ने आपको दिया था। फिर आपने खा खा कर इस शरीर को इतना बड़ा बना दिया। फिलहाल जो शरीर आपके पास है वह आपने पृथ्वी से उधार लिया हुआ है। जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो इसका एक भी कण आप नहीं ले जा सकते। आपको सब कुछ यहीं छोड़कर जाना होगा। इसलिए वास्तव में शरीर आपका है ही नहीं। जो भी आपने खाया है यह उसका एक ढेर है
आपका मन भी आपका नहीं है। जरा ध्यान से अपने मन को देखिए, आप पाएंगे कि आपका मन समाज का कूड़ादान है। आपके बगल से गुजरने वाला हर इंसान ने आपके मन में अपना कुछ कचरा डाल दिया, यही सब आपको मिला है। आप अपने मन में जरा छानबीन करके देखिए, आप पाएंगे कि वहां आपकी माता बैठी है, आपके पिता वहां बैठे हैं, आपके शिक्षक कहीं और बैठे हैं, आपके शत्रु और मित्र भी वहां हैं। जो फिल्म आपने देखी है, जो पुस्तक आपने पढ़ी है, वो सब आपके भीतर बहुत कुछ करते हुए मिल जाएंगे। आप जिस परिवेश में पले बड़े थे, वहां से आपने बहुत कुछ इकट्ठा किया है, इसलिए आपका मन उन सभी चीजों का एक संग्रह है। सिर्फ खाने के लिए इतने जटिल शरीर की जरूरत क्यों है? सिर्फ खाने के लिए इतने जटिल शरीर की जरूरत है ही नहीं। चूंकि यह शरीर व मन आपका नहीं है, इसलिए इस शरीर व मन के आयाम से परे जो कुछ है उस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। मानव शरीर धारण करने के बाद अगर आप उस आयाम का अनुभव नहीं करते, यानी आप शरीर और मन की सीमा से परे खुद को अनुभव नहीं कर पाते, तो समझ लीजिए कि मानव शरीर आपके लिए व्यर्थ हो गया। क्योंकि खाने, सोने, संतान उत्पत्ति और मरने के लिए आपको इस तरह के शरीर की जरूरत नहीं होती है, आपको इस तरह की बुद्धि की भी जरूरत नहीं होती है। हर कीड़ा मकोड़ा, हर चिड़िया, हर जानवर, इन सभी काम, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और मर जाना को बहुत सक्षमता पूर्वक कर रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि इन मामलों में आप उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो 2400 घंटे में अपने वजन से हजार गुना चीजें खा सकते हैं। अगर आपका वजन 50 किलोग्राम है तो आपको प्रतिदिन 50 टन भोजन खा जाना चाहिए, सचमुच तभी तो पार्टी होगी। लेकिन जिस तरह का शरीर आपको मिला है, अगर आप उसकी जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा खा लेंगे तो समझ लीजिए कि या तो आपको शौचालय की जरूरत पड़ेगी या फिर डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। आपका शरीर इस तरह का है, इसलिए खाने की प्रतियोगिता में आप खुद को कहीं खड़ा नहीं कर पाएंगे। सोने के मामले में भी आप अन्य प्राणियों की बराबरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ कीड़े मकोड़े, पशु और पक्षी ऐसे हैं जो लगातार 3 माह से 6 माह तक सोते हैं। आप आरामदेह गद्दे के बावजूद आप जितनी देर सोते हैं उसमें कुछ घंटे ज्यादा नहीं सो सकते। संतान उत्पत्ति के मामले में एक बच्चा पैदा करना आपके लिए एक जंजाल है, वे हजारों संख्या में पैदा कर देते हैं, उनमें से कुछ तो लाखों की संख्या में पैदा कर रहे हैं। मरने के संबंध में भी आपने कितना बड़ा हंगामा कर रखा है, इसे भी वे बहुत शालीनता पूर्वक कर रहे हैं। मृत्यु के प्रति जागरूकता ही आध्यात्मिक प्रेरणा है, इसलिए खाने, सोने, संतान उत्पत्ति और मर जाने के लिए ऐसे शरीर और ऐसे बुद्धि की जरूरत नहीं है। आप अलग संभावनाओं के साथ आए हैं। हो सकता है फिलहाल आप सोच रहे हो, नहीं नहीं, मैं केवल खास हो और बच्चे पैदा नहीं कर रहा हूं, मैं एक उद्योग चला रहा हूं, उद्योगपति हूं, मैं रोटरी क्लब का सदस्य हूं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। यह सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस दिन आपको मरना होगा उस दिन क्या आपको पता है कि एक दिन आप मर जाएंगे? सबको पता है कि एक दिन मर जाएंगे। क्या आप इसके प्रति जागरूक हैं? मैं आपको एक लंबे जीवन के लिए आशीर्वाद देता हूं, लेकिन फिर भी आप एक दिन मर जाएंगे। क्या आपको यह पता है? इसलिए जब मरने का समय आएगा तब आप देखेंगे कि जीवन में जो कुछ भी हुआ वह बस खाने, सोने और संतान उत्पत्ति करने तक ही सीमित रह गया। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता या कुछ नहीं हो सका। पीढ़ी दर पीढ़ी लाखों करोड़ों लोग जो इस पृथ्वी पर आए हैं चले गए, मगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि ये लोग भी इससे कुछ अलग हटकर नहीं कर पाए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इससे ऊपर उठ पाए हैं, ज्यादातर लोग मात्र जीने तक ही सीमित रह गए। चेतनता को उठाकर बनेंगे तभी सभी के लिए उपयोगी रहोगे आप। जो सबसे मौलिक बात है वो यह है कि अगर मानवता ही आपका कर्तव्य है तो आप खुद को अपना पहला कर्तव्य बनाइए, तभी देखेंगे कि आप मानवता के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो काफी लंबे समय तक कायम रहेगा। अगर आप भौतिक संदर्भों में गौतम बुद्ध और ईसा मसीह या उनके जैसे कई और लोगों के जीवन पर नजर डालेंगे तो देखेंगे उन्होंने कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया था। वास्तव में उन्होंने इतना काम भी नहीं किया था जितना आप कर रहे हैं। आप में तो कुछ तो अपनी क्षमता से भी ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने जो कुछ भी किया वो आज तक कायम है।
इसकी वजह थी कि वे लोग जो कुछ कर रहे थे या जो कुछ भी करते थे वो उनकी भीतरी आयाम से संचालित होता था। उनके कार्य करने का कुछ अलग ही आयाम था। आप कई आयामों से काम कर सकते हैं, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने भाव से, अपने अंदर के बिल्कुल ही अलग आयाम से। अगर आप अपने शरीर और मन से काम कर सकते हैं तो उस काम की जीवन अवधि बहुत छोटी होगी, वह कुछ समय के लिए होगी। आज तो बहुत सार्थक लगेगी, लेकिन हो सकता है कि कल उसका कोई महत्व न रह जाए। चेतनता में किया गया काम हमेशा के लिए बना रहता है। हमेशा वे लोग जिन्होंने अपनी चेतना के साथ काम किया है उनका काम हमेशा के लिए कायम रहा है। चेतना के साथ काम करने का हमेशा यह अर्थ नहीं होता कि आपको कोई आंदोलन चलाना है या कोई क्रांति शुरू करनी है। आप चाहे जो भी काम कर रहे हो, चाहे व्यवसाय में, ऑफिस में या घर पर, वह काम अपनी चेतना के साथ भी कर सकते हैं। आपका हर एक कार्य चेतना के एक बिल्कुल ही अलग स्तर से घटित हो सकता है। जब लोग इस तरह से काम करने लगते हैं तो चाहे जो कुछ भी करें, यह संसार रहने के लिए वो बहुत ही सुखद स्थान बन जाएगा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।